बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये सर्किट आया है एसी डीसी पंखे का, जो बिजली पर चल रहा है, बैटरी पर नहीं चल रहा। तो उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, इसको कैसे चेक करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी गुजारिश है, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसको चलाते हैं बैटरी पर, बिजली पर तो ये चल रहा है। तो ये बिल्कुल भी बीप नहीं दे रहा। अगर सर्किट बिजली पर चल रहा हो, बैटरी पर नहीं चल रहा हो, तो इसका मतलब है ये जो हमारा डीसी पोर्शन है जो पंखे को चलाता है वो ठीक होता है। क्योंकि बिजली जो है वो 12 वोल्ट बना के ही इसको देती है, ये 12 वोल्ट पर चलता है। तो उस 12 वोल्ट पर अगर चल रहा है और बैटरी की 12 वोल्ट पर नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है बैटरी की लाइन इस सर्किट को नहीं मिल रही। तो बैटरी की जो लाइन है ये माइनस और प्लस, ये माइनस इसे डाइवर्ट से गुजर कर आती है। ये डाइवर्ट सेफ्टी के लिए लगा हुआ है ताकि हम उल्टी लाइन लगाएं तो ये सर्किट हमारा महफूज रहे, ये जल ना जाए। और दूसरा ये जो प्लस लाइन है ये रिले से गुजर कर आती है। बिजली नहीं होती तो ये लाइन चालू हो जाती है रिले की वजह से, बैटरी की लाइन चालू होती है, और बिजली आती है तो बैटरी की लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है और बिजली पर जो 12 वोल्ट बन रहे हैं वो रिले सर्किट को देती है। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसके डायोड ख़राब है या रिले। इसमें दो ही फॉल्ट हो सकते हैं, या डायोड ख़राब होगा या रिले ख़राब होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस सर्किट को 12 वोल्ट नहीं मिल रहे। आपकी लाइन में 12 वोल्ट में भी मसला हो सकता है। अगर वो यहाँ तक ठीक आ रही है 12 वोल्ट, फिर इन दो पार्ट्स का मसला है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। अब ये जो माइनस लगी हुई है ये डायोड से गुजर कर आती है। आप इसको डायरेक्ट लगा कर चेक कर सकते हैं। डायोड के आगे जो दो पिन हैं उनमें से एक ये जो 35 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगा हुआ है उस पर आती है। तो आप पीछे से कैपेसिटर की, ये जो 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी माइनस पर लगा कर चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगाई, ये सर्किट नहीं चल रहा। इसका मतलब है हमारा दूसरा जो फॉल्ट है रिले का, हम उसको चेक करते हैं। हम इसको भी डायरेक्ट लगा कर चेक कर सकते हैं रिले की जो सेंटर की पॉइंट है। ये जो सेंटर वाली पॉइंट है इस पर डायरेक्ट लगाएंगे तो इसका पता चल जाएगा कि रिले ख़राब है या नहीं। अब ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये माइनस है इसकी, ये प्लस। तो ये रिले वाली जो सेंटर पॉइंट है ये भी इस 35 वोल्ट कैपेसिटर पर आती है डायरेक्ट। अब ये प्लस लगी हुई है जो सर्किट में, यहाँ पर ये आती है इधर रिले में, रिले से इस सेंटर वाली पॉइंट को मिलती है यहाँ से। जब बिजली आती है तो फिर ये लाइन यहाँ से अंदर से कट ऑफ हो जाती है रिले से, फिर ये बिजली वाली जो 12 वोल्ट है वो इसको मिलती है। तो इसको डायरेक्ट हम लगाते हैं, ये जो प्लस है ये रिले की सेंटर पॉइंट पर। तो ये पंखा चल रहा है हम लगाते हैं तो ये रिले की सेंटर पॉइंट,
ये आप देख सकते हैं पंखा चल रहा है अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो। आप इसको दूसरे आसान तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ये जो प्लस माइनस है आप डायरेक्ट भी, ये प्लस माइनस है, ये जो 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा, ये उस तरफ माइनस है, तो डायरेक्ट भी आप इस कैपेसिटर पर लाइन देकर चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अब पंखा चल रहा है। इस चैनल पर दूसरे वीडियो भी मौजूद हैं एसी डीसी पंखे और सर्किट के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसा कल्ला।